भाषी पर अशोकनगर से जहां जिले का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है जिसमें बैंक की रिकवरी टीम पर ग्रामीण जानलेवा हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। ये घटना ग्राम हैदर की है जहां पर बैंक की टीम ट्रैक्टर जब्त करने पहुंची। स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया में। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे रिकवरी एजेंट के से क्या अगर आपकी मारपीट होती है या अगर आपकी झड़प होती है या क्या ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है जिसमें आपको हाथ उठाना पड़ जाए या रिकवरी एजेंट आपके ऊपर हाथ उठा सकता है अगर आप उनका पेमेंट नहीं देते हैं या ईएमआई टाइम पे नहीं भरते हैं। तो आपने स्टार्टिंग में वीडियोस देखी होगी और ऑल ओवर इंडिया से काफ़ी ऐसी वीडियोस मुझे देखने के लिए मिलती है जहाँ पर कि रिकवरी एजेंट्स के और जो भी डिफॉल्टर्स होते हैं उनके बीच में मारपीट तक की स्थिति बढ़ आती है और कहीं कहीं तो हो भी जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग मेनली इसी बात पर डिस्कशन करेंगे कि ऐसी स्थिति में आपको क्या कदम ठोस उठाने चाहिए जिससे कि ऐसी स्थिति आपके साथ क्रिएट ना हो। अगर आपका बैंक का लोन है या क्रेडिट कार्ड का लोन है या पर्सनल लोन है या फिर किसी एनबीएफसी से लोन लिया है, किसी भी तरीके का अनसिक्योर्ड लोन लिया या सिक्योर्ड लोन लिया है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर वॉच कीजिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और इन्फॉर्मेशन वाला होने वाला है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि रिकवरी एजेंट्स को लेकर क्या गाइडलाइंस है और अगर रिकवरी एजेंट फॉलो नहीं करते हैं तो आप समझ जाइए कि वो एक रिकवरी एजेंट नहीं है। सबसे पहली जो गाइडलाइंस है वो ये है कि रिकवरी एजेंट आने से पहले आपको नोटिस देगा या आपको बताएगा कि वो आपके घर आने वाला है इस समय पर और आप उसको परमिशन देंगे आने के लिए तभी वो आ सकता है। अगर आप परमिशन नहीं देंगे या आप अवेलेबल नहीं हैं उस टाइम तो आप उनको मना कर सकते हैं कि इस टाइम आपके घर नहीं आए। ये हो गई पहली बात। अब यहाँ पे दूसरी बात यह है कि रिकवरी एजेंट को घर पे आने का टाइमिंग सुबह 8 बजे से लेके शाम के 6 बजे के बीच में है, ना ही वो 8 बजे से पहले आ सकता है ना ही शाम में 6 बजे के बाद आ सकता है। ये है सबसे बड़ी और सबसे इम्पोर्टेंट दूसरी गाइडलाइंस। तीसरी गाइडलाइन ये है कि रिकवरी एजेंट जब आपके घर आएगा तो उसके पास पूरा एक आईडी प्रूफ होगा जिसमें उसकी इम्प्लॉय आईडी लिखी होगी कि वो एक सटीक या सही रिकवरी एजेंट है या नहीं है। अगर उसके पास कंपनी की आईडी कार्ड नहीं है या उस आईडी कार्ड में इम्प्लॉय आईडी नहीं लिखा है तो आपको ये समझना है कि वो रिकवरी एजेंट फिर सटीक या सही रिकवरी एजेंट नहीं है, वो कोई फर्जी रिकवरी एजेंट है। अब यहाँ पर चौथी बात ये करते हैं कि अगर वो आपके घर पे पहुंचता है तो उसके पास एक ऑथोराइज्ड लेटर होना चाहिए कंपनी का दिया हुआ कि कंपनी ने आप उस एजेंट को ऑथोराइज्ड किया है आपके घर जाने के लिए और आपके घर पे जाके रिकवरी करने के लिए। तो ये मेनली 4 से 5 ऐसी गाइडलाइंस है जो आपको अपने ध्यान में रखनी है तभी जाके रिकवरी एजेंट की आप पहचान कर पाएंगे कि ये रिकवरी एजेंट असली रिकवरी एजेंट है कि नहीं। अगर वो 5ों गाइडलाइंस पे खड़ा उतर रहा है तो वो रिकवरी एजेंट सही है, अगर नहीं उतर रहा तो फिर वो रिकवरी एजेंट सही नहीं कहलाएगा। यहाँ तक तो ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अब आप दोनों के बीच में जो वार्तालाप होगी वो डिसेंट वे में होनी चाहिए कि वो अगर आपसे पूछता है तो आपको कारण बता के और उसको बता देना है कि दोबारा आपके घर ना आए। अगर आपको परेशानी होती है उसके आने से या दिक्कत होती है तो आप उसको डायरेक्टली बोलेंगे और एक बात का हमेशा ध्यान रखेंगे कि रिकवरी एजेंट के आते ही आपको अपना वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर लेना है ताकि सभी घटनाएं जो वहां पर हो वो रिकॉर्ड हो जाए। ये करना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है सिक्योरिटी पर्पस से भी। और एक चीज़ का और आपको ध्यान रखना जो काफ़ी लोग नहीं ध्यान रख पाते हैं वो ये चीज़ है कि अगर रिकवरी एजेंट आपको कहीं पर भी बुलाए, वो किसी ऑफिस में बुलाए ये किसी एक प्लेस पर बुलाए, तो उस प्लेस पर या उस ऑफिस पे आपको किसी भी कीमत पे नहीं जाना। अगर आप उसके ऑफिस पर जाएंगे या उसकी बताई हुई जगह पर जाएंगे तो 100% फिर वहाँ पे आपसे लूटपाट जैसी घटनाओं को अंजाम बहुत ही आसानी से दिया जा सकता है।
अब अगर आपके पास कोई कंडीशन नहीं है अभी पेमेंट करने की, तो आप उनको सीधे सीधे कारण और रीजन बताएंगे और बताएंगे जाने के लिए। इन कंडीशन अगर ऐसा हो कि वो आपसे झड़प करने की कोशिश करे या आपको उकसाने की कोशिश करे, तो ऐसे कंडीशन में आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है। वो भी एक इंसान है, और अगर वो गलती करता है, अगर वो अनलॉफुल होता है, क्योंकि कई एजेंट्स जैसे बजाज फाइनेंस के, L&T फाइनेंस के और कुछ एप्लीकेशंस के ऐसे एजेंट्स हैं जो मारपीट तक करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और इसीलिए तैयार होते हैं क्योंकि उनके जो एजेंट्स होते हैं वो असल में लोकल गुंडे होते हैं। तो वो मेनली क्या करते हैं, लोकल गुंडे को हायरिंग करते हैं ताकि वो 3-4-5 व्यक्ति से जाए और जाकर डराए, ना कि रिकवरी करे, और डरा के जितना से ज़्यादा हो सकता है वो पैसा लूटे। पहले से इंसान के पास इतनी सारी दिक्कतें चल रही हैं, उसके बाद भी वो एजेंट्स आके लूटने की कोशिश करते हैं, और ये गरीबों के साथ और जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके साथ काफ़ी बार देखा जा चुका है। तो इसीलिए अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है या ऐसा वो आपको उकसा रहे हैं या कुछ ऐसे शब्द बोल रहे हैं जो अब काफ़ी ज़्यादा अपमानजनक शब्द हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको उनकी एक वीडियो को लगातार रिकॉर्ड करती रहनी है, और उसके बाद तुरंत एक नंबर डायल करना है अपने फ़ोन में, 112 करके नंबर है, और इसके बाद पुलिस को कॉल करके आपको तुरंत बुला लेना है अपने जो भी स्पॉट है, क्योंकि आपने प्रूफ ले लिया कि वो रिकवरी एजेंट आपके पास आके आपको धमका रहा है, डरा रहा है, या 3-4 लोगों से आया है और उन तीनों चारों की पहचान नहीं हो पा रही है। अगर उनके पास ID कार्ड नहीं है तो 3-4 लोगों की पहचान नहीं हो पा रही, यानी 3-4 अनजान व्यक्ति आपके घर पे आके आपको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, और अगर आपसे पैसा मांगते हैं बिना अपनी पहचान बताए तो वो फिरौती कहलाएगी, ना कि पैसा हुआ, वो फिरौती हो गई। फिर ऐसे में उनके ऊपर उल्टा केस बन सकता है और वो रिकवरी एजेंट्स फिर जेल भी जा सकते हैं अगर वो ऐसा गलत काम करते हैं। तो फिर यहाँ पे आपके पास आपको अपने अधिकार पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो सिस्टम पहले चलता था उस सिस्टम को अब मैं चाहता हूँ पूरी तरीके से ख़त्म कर दूँ, या जो भी सिस्टम, जो जानकारी पहले लोगों को नहीं थी वो जानकारी अब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करूँ, ताकि उनको फ्यूचर में किसी तरीके की दिक्कत ना आए। अगर वो लोन डिफॉल्ट करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी कंपनी उनके ऊपर दबाव डालेगी और रिकवरी एजेंट्स को भेज के और उनके साथ गुंडागर्दी करेगी। तो अब इसको पूरी तरीके से ख़त्म किया जाएगा। इस चीज़ को लेकर मैं पूरी सुनिश्चित करूंगा कि मेरे जितने भी वीडियोस हैं उनमें काफ़ी से काफ़ी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी आपको मिलती है। और अगर आप वीडियो को शेयर नहीं करते हैं तो वीडियो पे शेयर बटन होता है, उस पे शेयर करके अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगाइए, इंस्टाग्राम के स्टेटस पे लगाइए, फेसबुक पे शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बारे में जानकारी हो सके कि अगर वो किसी भी तरीके का लोन डिफॉल्ट करते हैं तो कोई भी रिकवरी एजेंट आके उनके घर पे उनको धमकी नहीं दे सकता, उनको डरा नहीं सकता, या उनके साथ कुछ गलत नहीं कर सकता, या मारपीट जैसी स्थिति भी बिल्कुल भी ऐसा कोई भी कदम नहीं उठा सकता जिससे कि उसको हानि पहुंचे। तो इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है, और हमेशा एक बात याद रखिए कि अगर आपके पास पैसा हो या आपके पास पैसा कहीं से आए, तो जितना भी लोन बाकी है वो आप पूरी तरीके से क्लियर हमेशा कर दें, ये मैं हर वीडियो में बोलता हूँ। और अगर इन केस अगर पैसा नहीं अभी आ रहा है, कहीं से किसी भी वजह से आपको पैसे की प्रॉब्लम चल रही है, तो ऐसे में घबराएं नहीं, डरे नहीं, आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर ऊपर आपको व्हाट्सअप दिया गया है जहाँ पे आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, और साथ में वहाँ भी आपकी पूरी से पूरी गाइडेंस करने की कोशिश की जाएगी। और साथ ही साथ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखें, ताकि अगर चैनल पर कोई भी वीडियो आती है तो वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। इसी के साथ अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही में अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। चलिए चलता हूँ मैं आज के इस वीडियो में, और मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत।